व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू मी ट्रैवल्स एंड गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की वीडियो एक यूनिक और स्पेशल वीडियो होने वाली है। रीजन बीइंग आज मैं आपके लिए एक ऐसी फ्रेग्रेंस लेके आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। ये फ्रेग्रेंस गाइस मतलब ऐसी थी कि जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो लव एट फर्स्ट स्मेल वाला सीन हुआ इसके साथ। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले गाइस मैं आपको बताऊँ, काफ़ी टाइम बाद हमने एक एक्चुअल वीडियो बनाई है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बना रहे थे। अगर गाइस चैनल पर नए हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर वीक गाइस एक मैं एक नई वीडियो बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। हम फ्रेग्रेंस हो गया, टेक हो गया, टेक से ज़्यादा आइडियाज यार आपने देखो होगा, सेटअप पूरा चेंज हुआ है। इस सेटअप के ऊपर भी एक पूरी मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और भी गाइस हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर टच करते हैं, जैसे वॉचेज हो गई, ट्रैवल हो गया, मोटर बाइक्स हो गई एक्सेट्रा। अब भी गाइस मेन जो फोकस था मेरा फ्रेग्रेंसेस पे ज़्यादा था और मैं एक फ्रेग्रेंस से आपके लेके आया हूँ जो कि है गाइस पार्क एवेन्यू रीगल। सबसे पहले गाइस इसके बारे में बात करते हैं। ये पार्क एवेन्यू एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया था और उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया, और वो मैंने पार्क एवेन्यू वॉइस ट्राई की थी। रीज़न मेरा क्या था, फ्रेग्रेंस मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी बट मेरा हेडेक होने लग गया था तो मैंने उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन मैंने बोला एक बार इस ब्रांड को ट्राई दे देते हैं वन मोर टाइम। और गैस मैं आपको एक बात बता दूं, इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ये जो प्राइस बैंड है ना गैस इन परफ्यूम्स का, डिओड्रेंट्स का, जो ये 200 से लेके 500 वाला होता है, इसमें जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्मेल करती हैं। काफ़ी ज़्यादा जो आपको यूनिक टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं मिलने वाली, ये उनमें से एक है जो इस प्राइस बैंड में आती नहीं। इनफैक्ट आप वो 1000 वाला प्राइस ब्रैकेट भी क्रॉस कर लोगे, 2000 वाला भी, तब भी आपको ये यूनिक फ्रेग्रेंस नहीं मिलने वाली। तभी गाइस मैंने बोला आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक फॉग की डायनामिक भी ऑर्डर की थी और उसका भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड स्टोन की टाइटेनियम जैसा फ्रेग्रेंस लगा, तो मैंने शायद बोला कि उसका मैं रिव्यू भी बना बनाऊँ, शॉर्ट बना के ख़त्म कर दूँगा, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोगों को बताने के लायक। इसके बारे में बात करता हूँ। इसमें गैस आपको सबसे पहले 100% परफ्यूम मिलती है, जीरो गैस, ठीक है, और पार्क एवेन्यू कहता है 4x मोर परफ्यूम। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा यूनिक है, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी फ्रेग्रेंस आपको मतलब एक बार स्मेल करके पता चलेगी। एक बार ट्राई करते हैं। तो गैस जो बिल्कुल टॉप नोट होती है ना, उसे आप एकदम तो बिल्कुल ना करो। जैसे अगर मैं इसे जब यूज़ करता हूँ, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, 5-6 स्प्रेस करता हूँ और उसके बाद ट्राई करता हूँ जितने टाइम तक ब्रेथ होल्ड करके रख सकूँ करता हूँ, बिकॉज जो पहले 5 मिनट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा रफ होंगे। उसके बाद गैस ये शाइन करती है और ऐसी शाइन करती है कि आपके अराउंड जितने भी लोग होंगे ना आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, बिकॉज इसकी प्रोजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर इसकी लॉन्ग लास्टिंग की मैं बात करूँ तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लिटरली 8 hours दिए हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा बाइक राइडिंग भी करता हूँ, तो जब मैं बाइक राइड पे भी जाता हूँ ना, मैं ये वाली फ्रेग्रेंस यूज़ करता हूँ, बिकॉज जो भी मेरे पास और भी फ्रेग्रेंस हैं अराउंड 50 मैं इस चैनल पे रिव्यू कर चुका हूँ, वो सारी बाइक राइड पे जब भी मैं जाता हूँ दे डू नॉट स्मेल एनीथिंग आफ्टर वन राइड। राइट, इसके नोट्स की मैं बात कर लेता हूँ। पार्क एवेन्यू क्लेम करता है कि इसमें टॉप नोट में ऑरेंज है, फिर रोज़ है और फिर जैस्मिन है। मैं सच्ची सच्ची बताऊँ, मेरे को रोज़ थोड़ा सा लगता है बेस नोट में, लेकिन मेरे को लगता है टॉप नोट में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्लैक करंट की वाइब आती है। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हाँ सिट्रस वाला है, आप ये कह सकते हो टॉप नोट सिट्रस है, लेकिन ये ऐसा सिट्रस है, सिट्रस वाली बहुत सारी परफ्यूम्स आती हैं लेकिन ये सिट्रस गैस आपने नहीं ट्राई किया। एक बार एक काम करते हैं, हम अमेज़ॉन पर भी देख लेते हैं कि क्या ओपिनियन है लोगों के, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। ये है गैस रीगल, अराउंड इसके अच्छी खासी रेटिंग है, 3.9 रेटिंग है इसकी अमेज़ॉन पे, और देखा जाए इससे अराउंड 20,000 से 30,000 लोगों ने बाय किया है और उसके बाद 3.9 रेटिंग आई है। एक मंथ में 2K+ ऑर्डर गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा कि लोगों को ये फ्रेग्रेंस यूज़ करते हुए, मेरे को नहीं पता क्यों। और देखें गाइस पार्क एवेन्यू क्या कहता है, नोट्स crafted by international experts, suitable for all skin types, work best for all occasions. इससे मैं agree नहीं करता, all occasions के लिए मैं इसे ना पहनूँ, ये सिर्फ वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन्स के लिए रहेंगी। और देखा जाए अराउंड 210 के अराउंड आपको अमेजोन पे मिल रही हैं, 280 इसकी MRP है। मैं कहूँगा गैस किसी लोकल शॉप से लो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी लोकल शॉप पे मिल रही है तो हाँ ओके है। ज़्यादा कुछ है नहीं गैस इसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये फ्रेग्रेंस आप जाओ कहीं पे भी वेयर करके
इतने ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, लोग लिटरली आपसे आके पूछेंगे कि आपने कौन सी फ्रेगरेंस वियर की है। गैस वाली फ्रेगरेंस है नहीं गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि एक बार अगर आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हो ना, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करो। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बातें की हैं, बट ये एक ऐसी बॉटल है गाइस जो वर्थ है इतने मिनट आपके लाइफ के स्पेंड करने के लिए इसके ऊपर। तो मेरे को बताना कि आपने क्या ये फ्रेगरेंस ट्राई की है या नहीं की है, क्या पार्क एवेन्यू की कोई ऐसी फ्रेगरेंस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और आप बोलते हो कि मेरे को इस चैनल पर रिव्यू करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी क्या आप भी फ्रेगरेंस वियर कर रहे हो या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो गाइस ज़रूर वियर करो। एक मैं आपको कोड बताता हूँ कि अगर आप फ्रेगरेंस वियर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा दिखना भी शुरू हो जाते हो। मेरे को बताना इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। यही कहना था गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक में। हो सकता है फ्रेगरेंस के ऊपर बनाए, हो सकता है टेक सेटअप के ऊपर बनाए, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना गाइस, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गाइस राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय।